नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपके घर वालों का सिबिल खराब हो सकता है आपके डेट, आपके लोन, आपकी क्रेडिट कार्ड की वजह से। ऐसा हमारे एक क्लाइंट की मॉम के साथ हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने लोन ले रखा है या कोई क्रेडिट कार्ड लिया है और अगर उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट आप पे नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके घर वालों का, इट कुड बी योर मॉम, इट कुड बी योर फादर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, एनीबडी, किसी का भी सिबिल खराब हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी गलती की वजह से उनका भी सिबिल इम्पैक्ट कर सकते हैं। कई बार अगर लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो मेरा सिबिल खराब हो गया लेकिन मेरे बेटे का सिबिल अच्छा है, चलो मेरा सिबिल खराब हो गया मैं मेरे भाई को बोल दूंगा वो लोन ले लेगा, मेरा हो गया मुझे बहुत दुख है लेकिन मैं किसी और फैमिली मेम्बर को कह दूंगा कि वो लोन ले ले मेरे बिहाफ और उसके बाद मुझे दे दे। हालांकि आज की डेट में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप अपने किसी फैमिली मेम्बर या अपने किसी फ्रेंड या अपने किसी पड़ोसी या अपने किसी रिलेटिव को ये कहें कि भाई तुम अपने नाम पर लोन ले लो एंड देन गिव इट टू मी, मैं तुम्हें बाद में वापस कर दूंगा। ऐसा होता नहीं है, ये एक हकीकत है। सो रिमेंबर, नोबडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट विद दैट, बट इफ़ यू डू थिंक कि किसी को मैं बोल दूंगा मेरे फैमिली मेम्बर को और वो कुछ पैसे लेकर मुझे दे देगा, तो अब उनका सिबिल भी खराब हो चुका होगा, शायद उनको पता भी नहीं होगा गलती आपकी थी। गलती क्या थी मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान रखिए कि कभी भी अगर आप लोन लेते हैं तो कई बार आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को या किसी को भी को गारंटर रख सकते हैं। अगर वो को गारंटर है और अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया है तो उनके सिबिल पर भी इम्पैक्ट होता है। और इतना ही नहीं, कई बार तो ऐसा होता है कि रिकवरी वाले उनको भी हैरेस करने लगते हैं बिकॉज ही इज़ ए पार्टनर, वो इंसान एक पार्टनर होता है आपका। तो रिकवरी केवल आप ही की नहीं उनकी भी होती है। को गारंटर के घर पर जाकर भी रिकवरी की जाती है, उनको भी कॉल किया जाता है, उनको भी डराया धमकाया जाता है, उनके भी रिलेटिव्स को, उनके फ्रेंड्स को कॉल किया जाता है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिविल कि भाई उनका सिविल ख़राब हो गया है, बल्कि उनको परेशान भी बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। तो कभी भी अगर आप लोन ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ किसी को भी को गारंटर नहीं रखिए, नहीं तो आप अपना उनके साथ एक रिश्ता जो है वो भी ख़राब कर बैठेंगे। तो बेस्ट तरीका क्या है, जो भी लेना है खुद के नाम पर लीजिए। अगर आप इम्पैक्टेड हो भी जाते हैं किसी तरीके से, तो एटलीस्ट आप उस इंसान को बोल तो पाएंगे कि भाई मेरी हेल्प कर, वो करे नहीं करे वो बात की बात है, लेकिन यू विल हैव एन ऑप्शन। लेकिन अगर आपने उनका भी सिविल ख़राब कर दिया तो ऐसी स्थिति में तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको कभी भी कोई भी क्रेडिट कार्ड लेना है, कोई भी लोन लेना है, तो वहाँ किसी को भी को गारंटर न रखें, आप अपने नाम पर ही लीजिए। और वैसे तो मैं लोन के, क्रेडिट कार्ड के एकदम डेड अगेंस्ट हूँ, मैं मानता ही नहीं कि किसी को इसकी ज़रूरत भी है अगर अपने फाइनेंसेस को सही ढंग से मैनेज करें तो। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है या कोई लोन है तो प्लीज़ उसे पे ऑफ कर दीजिए जितनी जल्दी हो सकता है, और पे ऑफ करने के बाद एक डेट फ्री लाइफ जीए जहां आपके ऊपर, आपके सिर पर एक रुपए का भी कर्ज नहीं हो। क्योंकि जिनके ऊपर भी कर्ज होता है, फर्क नहीं पड़ता कि वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं या खुद मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक हैं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, कर्ज उन्हें दीमक की तरह धीरे 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 खोखला कर देता है। आपने बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज देखी होगी, CCD को आपने देखा होगा, या बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ कर्ज के चक्कर में लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। सो प्लीज़ से नो टू क्रेडिट कार्ड्स, से नो टू लोन्स, से नो टू डेट, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट एंड डेट फ्री लाइफ। जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं किस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, तो आपको करना क्या, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर क्लिक करना है। इससे जब कभी भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपके ऊपर डेट है, कर्ज के बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, सोच रहे मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, ऐसी अगर स्थिति है तो वहां बेस्ट ये रहेगा कि जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिख रहा है उस नंबर के ऊपर आपको सिर्फ हाई लिखकर भेजना है, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक स्टेप्स मिल जाएंगे और अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो ऑन कॉल वी कैन गेट कनेक्टेड। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हो जल्दी आप सपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए। बाय बाय।